बड़ी कैसे हैं सभी। मैं आशुतोष सेंगर एक बार फिर आप सभी के सामने हूँ फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर सेकंड ईयर का यूनिट फर्स्ट का सेकंड लेक्चर लेके। फर्स्ट लेक्चर हम लोग उन्होंने कल अपलोड कर दिया था, उसको आप देख सकते हैं। यदि आपके पास थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है लेक्चर्स देखने में तो आप प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है और सारे वीडियोस इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको अपलोड मिल जाएंगे, एक साथ मिल जाएंगे और आपके लिए इजी हो जाएगा। मैं आशुतोष सेंगर आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूँ और ये आशा भी करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब हमें ऑनलाइन स्टडी करनी है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे आप सभी को ऑनलाइन मटेरियल प्रोवाइड कराना है, क्योंकि आप सभी जो है जब सही मटेरियल लेंगे तभी आप सही से पढ़ पाएंगे। तो मैं POC सेकंड स्टार्ट कर चुका हूँ, जो कि क्रिटिकल थोड़ा सा है, बट हम लोग उसे ट्रिक्स के साथ बहुत आसानी से पढ़ रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा कि कितनी बड़ी जो थ्योरी है जिसे मैंने आपको बहुत इजीली और बहुत अच्छे ट्रिक्स के साथ एग्जांपल्स के साथ समझाया। इफ़ यू फ्रॉम AKTU एंड फ्रॉम उत्तर प्रदेश, तो आपको वो हिंदी यदि आपको अच्छे से आती है, आप यदि और किसी प्रदेश से भी हैं तो भी आपको वो चीज़ें सारी समझ में आई होंगी। और इफ़ यू आर फ्रॉम अदर स्टेट्स जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है, जहाँ आपको इतनी हिंदी या बुंदेलखंडी की नॉलेज नहीं है, तो फिर आप लोग मुझे कमेंट करिए, मैं आपकी टोटली इंग्लिश में आपको वो ट्रिक्स बता दूंगा और बहुत इजी वे में आपको वो समझ में आ जाएगा। आज सबसे पहले जो कल के लेक्चर के जो पॉइंट्स रह गए थे उस पॉइंट को उठाता हूँ। वहाँ मैंने आपको एक वर्ड बताया था लिमिटेशन ऑफ कैलकुलेशन में, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ दैट इज़ माय सजेशन कि अभी इस वीडियो को रोकिए, वहाँ जाइए और जाके पहले वो लेक्चर देखिए, क्योंकि वो अगर आपने नहीं देखा होगा तो ये फिर नहीं समझ आएगा और आगे तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं एक दूसरे के थ्रू। अगर आप एक साल के नहीं हुए होते तो आज आप टीन एज में या इस एज में नहीं होते। Explanation of the unusual properties of benzene. The unusual properties of benzene mentioned above find a ready explanation in terms of the resonance structure of benzene. यही बात थी। कल मैंने आपको resonance theory पढ़ाई थी, heat of combustion बताई थी, bond length बताई थी और heat of hydrogenation बताई थी। ये तीन point मैंने बता दिए थे, उसके बाद आज मुझे continue करना है क्योंकि lecture हो गया था बड़ा और मुझे भी भाई थकावट होती है क्योंकि मुझे सारे lectures आप लोगों के लिए लाने पड़ते हैं और मेरा खुद का personal काम भी होता है। तो इसमें मैं आपको पहले तो कुछ चीज़ें बताता हूँ जिससे आपको पता लग जाए कि how we can say that benzene is most stable. Isomer number. As all the carbon-carbon bonds in the resonance hybrid of benzenes are equivalent, 1,2 and 1,6 positions are equivalent. Therefore, 3 and only 3 disubstitution product of benzene should and actually do exist. कल आपको मैंने दो स्ट्रक्चर दिखाए थे रेजोनेंस के टाइम पे। एक स्ट्रक्चर में फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड था एंड सेकंड में 2,4,6 पे था। मैंने आपको बताया था कि दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं। बेंजीन में ये जितने इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्ड हैं ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में रहते हैं, वो बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। मैंने आपको वो सारी चीज़ें कल बताई थी। तो उसी के बेस पे हम लोग अगर उसके आइसोमर्स की बात करें तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि अगर वहाँ सेकेंड पोजीशन होगी और सिक्स पोजीशन होगी तो हम लोग उसे सेकेंड और सिक्स की जगह एक आइसोमर्स भी बोल सकते हैं। और इसी थ्योरी के बेस पे अगर हम लोग कुछ बोलें तो ओनली थ्री डाई सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट, थ्री डाई सब्सटीट्यूशन का मतलब थ्री ओनली थ्री ही पॉसिबल हैं, मींस ऑर्थो मेटा एंड पैरा, तीन पोजीशन। मैंने आपको तीनों पोजीशन भी पिछले लेक्चर में समझा दी थी। और बेंजीन शुड एंड एक्चुअली डू एग्जिस्ट। सेकेंड पॉइंट था बॉन्ड लेंथ। मैंने आपको बॉन्ड लेंथ जो है वो लिमिटेशंस के अंडर भी पढ़ाई थी और वहाँ अनयूजुअल स्टेबिलिटी को कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। वो और ये पार्ट एक ही है, इसलिए पहले वो देखिए और उसके बाद नोट्स में अगर आप बना रहे हैं वीडियो देख के तो इसको डालिए। और अगर आप मुझसे लेते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर आप खुद से बनाते हैं तो बहुत अच्छा। देन बॉन्ड लेंथ की बात करें तो द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन कंटेन्स नो ट्रू कार्बन कार्बन डबल एंड सिंगल बॉन्ड, ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन बेंजीन आर एक्सेप्टेड टू बी इक्वल, देयर लेंथ लाइंग बिटवीन दैट ऑफ अ सिंगल एंड डबल बॉन्ड, दिस इज एक्चुअली सो। कैलकुलेज स्ट्रक्चर की जो मैंने आपको लिमिटेशन बताई थी और जो बॉन्ड लेंथ में आपको बताया था वो सब क्या था, उस सब को समझने के लिए ये पॉइंट लिखना पड़ेगा कि रेजोनेंस में मैंने आपको बताया था कि वहाँ कुछ होता ही नहीं रियल, वहाँ ना सिंगल बॉन्ड होते हैं ना डबल बॉन्ड होते हैं, क्योंकि मे बी आप अभी देख रहे हैं वो सिंगल बॉन्ड है, मे बी इन मिली सेकेंड्स वो डबल बॉन्ड हो जाए, तो उसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती, वो एक
टोटल एक एवरेज लेंथ अगर हम हर बॉन्ड की देखें तो वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दी थी, इसीलिए वो डिफरेंस नहीं होता जो कैकुले ने बताया था कि वहाँ सिंगल एंड डबल बॉन्ड अगर होते तो उन दोनों की बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस होता। देन स्टेबिलिटी, अ रेजोनेंस हाइब्रिड इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन एन ऑफ अदर कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन वुड देयरफॉर बी मोर स्टेबल देन आइदर ऑफ अबव स्ट्रक्चर्स। मैंने दो स्ट्रक्चर्स बताए थे कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इट। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट बेंजीन मॉलिक्यूल्स इज मोर स्टेबल देन दीज स्ट्रक्चर्स बाई अबाउट 151 kg मोल इनवर्स मीन्स किलोजूल पर मोल। दिस डिफरेंस इज एनर्जी कंटेंट्स ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर 4, 4, 9, 11। सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। 151 किलोजूल पर मोल इज़ द रेजोनेंस एनर्जी और स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल। अगर उसका कंपेयर करें कैकुले स्ट्रक्चर 135 और 246 साइक्लोहेक्साट्राइन तो उससे हमारी बेंजीन 151 किलोजूल पर मोल मोर स्टेबल या मोर रेजोनेटिंग होगी। और जो स्टेबिलिटी जो होती है, आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ अभी कि आप अभी एक और POC पढ़ेंगे मे बी उसमें आपको बताया जाता है या अभी आगे यूनिट्स में बताया जाता कि जिस स्ट्रक्चर के जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। क्योंकि जिस घर को जितना ज़्यादा काम होगा, मैंने जो पिछली ट्रिक बताई थी कि जिन घर के पर्सनस को जितना ज़्यादा काम होगा वो अपने काम में बिज़ी होंगे और उनके पास बाहर जाने का टाइम नहीं होगा, बाहर जाके मोहल्ले में बैठने का टाइम नहीं होगा। पिछली ट्रिक को ही मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सॉरी कोरोना नहीं हो रहा है मुझे, तो उसको आप जरूर वहाँ जाके और उसके बाद आप इस पर देखिए। तो ये जो तीन पॉइंट्स थे मैंने बहुत इजी तरीके से आपको बता दिए। फर्स्ट आइसोमर नंबर कि वहाँ सेकंड और सिक्स पोजीशन को हम सिमिलर बोल सकते हैं क्योंकि मे बी जैसे आप अभी सेकंड बोल रहे हैं वो रेजोनेंस हो जाए और वो सिक्स हो जाए, बस इसी तरह की पोजीशन चलती रहती हैं। या हम लोग नंबरिंग किसी और तरह से कर लें और वो सिक्स हो जाए तो वो आइसोमर्स हो जाएंगे एक दूसरे के। आइसोमर्स क्या होते हैं वो आप पिछले लेक्चर जो लास्ट आप लोगों ने पढ़ी होगी POC फर्स्ट उसमें आपको पता होगा। स्टेबिलिटी और बॉन्ड लेंथ दोनों को मैंने आपको एक्सप्लेन अप किया। अब अच्छा है एक आखिरी पॉइंट, केमिकल प्रॉपर्टीज जो इसी अनयूजुअल स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन के अंदर आता है। इन द एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन द टेंडेंसी इज टू प्रिजर्व द रेजोनेंस स्टेबलाइज बेंजीन रिंग सिस्टम बाय सब्स्टिट्यूशन डिस्पाइट द अपेरेंट प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स। इट इज़ देयर फॉर अंडरस्टैंडेबल दैट बेंजीन प्रेफर्स नॉट टू अंडरगो एडिशन रेदर इट अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच द स्टेबल बेंजीन इज रिटेंड। तो इसमें ये बताया गया है कि मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी बस वही ट्रिक फॉलो होनी है कि सब्स्टिट्यूशन यानी उनके घर जब आप किसी के घर जाते हैं बैठने नोटिफिकेशन लेने तो वो बंदा भी आपके घर आता है, ऐसा नहीं कि आप ही आप जाते रहें। वन साइडेड अगर आप ही आप जाते रहेंगे तो आपके मन में आएगा अरे यार वो आता नहीं तो मैं भी नहीं जाऊँगा। इसलिए सब्स्टिट्यूशन का मतलब मैं ट्रिक बता रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन का मतलब वो भी कभी आपके घर आएगा तो वो तो आपके घर तब आएगा जब आप फ्री होंगे। आप तो फ्री हैं नहीं, आपके पास तो काम है, आप डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं तो घूम रहे हैं तो फिर सब्स्टिट्यूशन भी इतना आसान नहीं होता है और ये हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाते हैं। मैंने ट्रिक के माध्यम से बता दिया। बाकी ये जो थ्योरी है ये मैं एक स्टैंडर्ड बुक से आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ये आप अभी यहाँ से नहीं लिखना चाहते हैं नहीं लिखिए, मेरे पास रिटन नोट्स हैं। और अगर आप इसको नहीं लिखना चाहते केवल याद हो गया है, बोला जाता है कि हाथ से लिखना अलग चीज़ है और ब्रेन पे लिखना अलग, आप ब्रेन पे लिखिए, ऐसे पढ़िए कि वो आपके एग्ज़ाम पर्पस के लिए नहीं, ऐसे पढ़िए कि आप पढ़ा सकें मेरी तरह, या आप ऐसे पढ़िए कि आपको मिलने के लिए आपसे हाथ मिलाने के लिए वो लोग तरसें। खैर हाथ मिलाना कोरोना काल में मना है। हाँ भैया आ गई बड़ी थ्योरी, मॉलिकुलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन। आज तक आपने इसको कई बार पढ़ा होगा, कई टीचर्स से पढ़ा होगा, मे बी टीचर्स ने अच्छा पढ़ाया होगा, बट जैसे आज मैं आपको बताने वाला हूँ शायद ऐसे आज तक किसी ने ना बताया हो। अ कार्बन एटम थ्रू sp2 और ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपको पता होगा, आप 12th स्टैंडर्ड पास आउट करके आए हैं और आप किसी भी तरह से हों, चाहे PCB से हों चाहे PCM से हो, केमिस्ट्री आपने पढ़ी है तो sp2 आपको पता होगा। नहीं पता है कमेंट करिए, आई विल पर्सनली सजेस्ट यू फॉर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कैन फॉर्म 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट होते हैं, मैंने आपको पहले ही लेक्चर में पहला नोट दिया था 10 का याद होगा शायद। लाइंग इन अ प्लेन एंड हैविंग बॉन्ड एंगल्स ऑफ 120 डिग्री।
एवरी बॉन्ड उस पर जो होता है वो उसका बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। व्हेन वी अरेंज 6 कार्बन्स एंड 6 हाइड्रोजन्स ऑफ बेंजीन सो दैट देयर इज अ मैक्सिमम ओवरलैपिंग ऑफ दीज ऑर्बिटल्स, ईच बॉन्ड ऑर्बिटल इज सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग द एटोमिक न्यूक्ली, दीज 12 बॉन्ड्स आर देयर फॉर डिजाइंड एज सिग्मा बॉन्ड्स। It follows from the orbital approach that benzene should be a symmetrical and a flat molecule with all bond angles of 120 degree. आप पहले स्ट्रक्चर देखिए, ऐसे नहीं आएगा समझ। ये रहा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर का स्ट्रक्चर। अभी मैंने आपको ए स्ट्रक्चर के बारे में बताया, तो यहाँ एवरी जो बॉन्ड लें एंगल है उसको आप देखिए तो ये 120 डिग्री पर होगा। अगर आप इस स्ट्रक्चर को बना के आज भी आपको एंगल निकालना आता है, आप यहाँ मेज़र कर लीजिए, 120 डिग्री ही निकलेगा। हाँ, आप स्ट्रक्चर 19-20 कर देंगे तो 19-20 आंसर भी आएगा। और यहाँ जो है एवरी कार्बन हैज़ वन हाइड्रोजन, तो अगर हम इसको एक सिमेट्री बनाना चाहें, सिमेट्री का मतलब होता है इस स्ट्रक्चर को अगर 20 से हम लोग डिवाइड कर दें हो गया डिवाइड। ये मैंने डिवाइड कर दिया इस स्ट्रक्चर को, तो ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर दिख रहे हैं। दिस इज कॉल्ड सिमेट्री, ठीक है। और क्या था? सिलेंड्रिकल। ये देखिए एक सिलेंड्रिकल सर्कल बना हुआ है बीचों बीच, दैट इज कॉल्ड सिलेंड्रिकल। अब हम लोगों ने सिलेंड्रिकल के लिए पी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि अगर हम लोग सारे कार्बन्स को और सारे हाइड्रोजन्स को एक बार बॉन्ड के रूप में, बॉन्ड की फॉर्म में उसको बनाने की कोशिश करें तो उस पर एक सिलेंडर से स्ट्रक्चर बन सकते हैं, और इसीलिए मैंने ऊपर बोला हुआ है सिलेंड्रिकल। अब स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले दिखा दिया तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये राम कहानी क्या लिखी है, और ये राम कहानी आपके दिमाग में भी घुस जाएगी। पहला पॉइंट sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, ओके। सेकंड पॉइंट 3 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ओके। लाइंग इन अ प्लेन एंड हैविंग बॉन्ड एंगल्स ऑफ 120 डिग्री, ओके। व्हेन वी अरेंज 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन, भैया सब कुछ तो मैंने दिखा दिया ऑलरेडी। सो दैट देयर इज़ अ मैक्सिमम ओवरलैपिंग ऑफ दीज ऑर्बिटल, मैक्सिमम ओवरलैपिंग मैंने अभी आपको सिलेंड्रिकल फॉर्म में दिखाया कि एक दूसरे पे वो ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप मीन्स एक दूसरे को छुपाने की कोशिश, एज चंद्र ग्रहण होता है चंद्रमा, या तो सूरज के द्वारा छुप जाता है, इसी फॉर्म को बोलते हैं चंद्र ग्रहण, या सूर्य ग्रहण होता है, इक्लिप्स वाली कंडीशन थोड़ी थोड़ी वही ओवरलैपिंग होती है एक दूसरे के ऊपर। या ऐसा भी बोला जा सकता है कि आप में से कई लोगों को एक आदत होती है दो तकिया रख के होने का, तो एक तक वो एंगल जहाँ से वो सबसे बेटरली एक दूसरे के ऊपर रखी जा सकती हैं वो एंगल होता है आपका ट्राइगोनल, और उस ओवरलैप मतलब वो ऊपर रखने को बोलते हैं ओवरलैपिंग। इसके बाद ईच बॉन्ड ऑर्बिटल इज सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल, ये मैंने अभी बताया, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर भी दिखाया, सिमेट्रिकल सिमेट्री भी दिखाई मैंने आपको क्या होती है, अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग द एटमिक न्यूक्लाई, दीज 12 बॉन्ड्स आर देयर फॉर डिजाइंड एज सिग्मा बॉन्ड, ये 12 के 12 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। और आपको शायद पता होगा कि सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं उन्हें तोड़ना इतना आसान नहीं होता, पाई बॉन्ड्स ईजिली ब्रेकेबल होते हैं, इसीलिए इस पे सब्स्टिट्यूशन हार्ड होता है, ये भी एक रीज़न है। इट फॉलोज फ्रॉम द ऑर्बिटल अप्रोच दैट बेंजीन शुड बी अ सिमेट्रिकल एंड अ फ्लैट मॉलिक्यूल्स विद ऑल बॉन्ड एंगल्स ऑफ 120 डिग्री, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर आपको स्ट्रक्चर याद होगा, मेरी कही हुई ये दो चार बातें याद रह जाएंगी, आप एट लास्ट ये राम कहानी याद या रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना किसी चीज़ के स्ट्रक्चर याद करिए, वही बनाइए और उसके बारे में जितना आ जाए उतना लिखिए, आधा पेज भी अगर भर देंगे तो वो सही होगा, मेरी गारंटी, एंड पॉइंट बाई पॉइंट। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन शोइंग द इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबाउ एंड बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग, अभी मैंने जो अब ऊपर आपको दिखाया था वहाँ केवल सिग्मा बॉन्ड्स दिखाए थे,
वहाँ मैंने डबल बॉन्ड का कहीं जिक्र नहीं किया आपको याद हो, लेकिन डबल बॉन्ड भी तो होते हैं बेंजीन में, उसका जिक्र मैं यहाँ करता हूँ। इन द बेंजीन ऑल द कार्बन कॉमा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स आर हाइड्रोजन्स, का मतलब हाइड्रोजन बहुत सारे नहीं, हाइड्रोजन एप्रोटॉफी कॉमा एस, मतलब इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हाइब्रिडाइज फॉर्म में होते हैं, लेकिन जो पी जेड ऑर्बिटल का जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो अनयूज होता है, उसका कोई काम नहीं हुआ होता, तो वो विच फॉर्म आ इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड डिवाइड इन अपर एंड लोअर लोब। मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था वो एग्जांपल ये था उसमें एक और, कि 12 साल का एक बच्चा होगा स्टेबिलिटी वाला, कि वो बच्चा क्या करेगा, दौड़ता रहेगा क्योंकि उसके पास काम कम होता है, वही यहाँ है कि ये अनयूज्ड है, इसके पास कोई काम नहीं है, इसका कोई यूज़ नहीं है, तो ये क्या करता है डीलोकलाइज फॉर्म में दौड़ता रहता है, और यही बनाता है डबल बॉन्ड। देखिए मैंने यहाँ आपको दो स्ट्रक्चर्स के हेल्प से बताने की कोशिश की है। यहाँ ये फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है ऑर्बिटल्स का, कि और एक दूसरे से ऑर्बिटल्स कनेक्ट हैं, और ये एक स्ट्रक्चर है जो कि आइडियली ऑर्बिटल पिक्चर बोला जाता है। और ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है इसमें मैंने आपको वो इलेक्ट्रॉन दिखा हुआ है पी जेड ऑर्बिटल का, जो कि हर एक का एक पी जेड ऑर्बिटल हुआ, तो वो आपको डबल बॉन्ड बना रहा है और दो प्लेन बना रहा है, वन अबव द प्लेन, अबव द प्लेन जो ऊपर वाला है और बिलो द प्लेन जो नीचे वाला है। अब बात आती है कि कुछ लोगों की ड्राइंग सही नहीं होती है, तो यहाँ ड्राइंग नहीं देखी जाएगी, आप इस स्ट्रक्चर को किसी भी तरह से बनाएं, आप जब नोट्स देखेंगे तो उसमें भी ये बहुत अच्छे नहीं बने होंगे, लेकिन हमें केवल समझाना है और वो समझाने के हिसाब से आपको एक टेक्निकल ड्राइंग आनी चाहिए। कंटिन्यू करते हैं, दिस मॉलिकुलर स्ट्रक्चर वाज डिस्क्राइब्ड बाय, अब ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर था मैंने पहले स्ट्रक्चर दिखा दिया, वहाँ आपको समझाया कि वो स्ट्रक्चर कैसे आया, लेकिन वो स्ट्रक्चर कैसे दिखा, कैसे ऑब्जर्व हुआ और क्या है उस स्ट्रक्चर के बारे में, वो यहाँ मैं बताता हूँ। द मॉलिकुलर स्ट्रक्चर वाज डिस्क्राइब बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज, देयर इज नॉन बॉन्डेड पी जेड ऑर्बिटल्स दैट हैज रिमेन अनयूज, दिस पी ऑर्बिटल हैज टू इक्वल लोब्स, वन अबव द प्लेन एंड वन बिलो द प्लेन of the benzene ring which forms an electron cloud by overlapping sideways or side by side। मैंने ऊपर दिखाया side by side ही है ये orbital picture है, ये side by side ही है। this is side by side। There is result two continuous hexagonal electron cloud perpendicular or parallel। ये दूसरे एक दूसरे के perpendicular भी होते हैं और parallel भी होते हैं। बस जितना था मैंने आपको समझा दिया, कहानी ख़त्म। At last यही बोलूँगा कि भैया घर में रहें, स्वस्थ रहें, कोरोना काल है, मैं आपको ऑनलाइन मटेरियल दे रहा हूँ जो स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करता है, डीपली पढ़ा रहा हूँ, ट्रिक्स से इजी वे में पढ़ा रहा हूँ, यहाँ आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको केवल चार स्ट्रक्चर दिखाए, वो केवल चार स्ट्रक्चर याद करिए, उनके बारे में आपके दिमाग में फिटिंग हो गई होगी इस लेक्चर के बाद, और आप इस लेक्चर के बाद एक बार नोट्स उठा के पढ़ेंगे या नोट्स बनाएंगे, और उसके बाद एग्ज़ाम टाइम पर एक या दो बार उसको जैसे ही रिवाइज़ करेंगे वो वैसे ही आपके दिमाग में आ जाएगा। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर ऑल बी फार्मा लेक्चर्स एंड इन्फॉर्मेशन वीडियो, सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट भी करिए और खुद के लिए भी आराम करिए, आराम से लेक्चर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। हिट द लाइक बटन, कमेंट करिए अगर कोई क्वेरी रह गई हो, भाई मैं भी इंसान हूँ, हो सकता है कोई चीज़ छूट गई हो मुझसे। फॉर नोट्स, अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट करिए, और कमेंट हर वीडियो पे कर सकें तो वेल एंड गुड, वरना यूनिट ख़त्म होने वाले लास्ट वीडियो पे ज़रूर कमेंट करिएगा, तब आपको नोट्स इजी होगा मेरे लिए दे पाना या मेरी टीम के लिए दे पाना। शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए जिससे आपके फ्रेंड्स भी स्टडी कर सकें और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ व्यूअर्स बढ़ रहे हैं तो मैं वीडियो बनाऊँ। जय श्री राम, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नॉलेज।